गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। कल हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, यानी वन पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी। आज हम टू पॉइंट चार्ज या उससे अधिक के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मोर देन टू पॉइंट चार्ज। मतलब द्विआवेश तंत्र के लिए या दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करेंगे। पहले ये बनाएंगे, माना कोई बिंदु Q1, बिंदु ऊपर स्थित है एक अन्य आवेश Q2, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर लाया जाता है, तो ये क्या है, द्विआवेश तंत्र निकाय से क्या है, निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो दिया। अब Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होगा, विभव B बराबर KQ अपॉन R। अंतर बिंदु P पर Q2 आवेश को अनंत चलाने में क्या कार्य, निकाय पर स्थित ऊर्जा होगी। अब हम लिखेंगे अंतर बिंदु P पर Q2 आवेश को अनंत से जाने में क्या गया कार्य, क्या गया कार्य, अंतर बिंदु P पर Q2 आवेश को अनंत से लाने में क्या गया कार्य, अंतर निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी, अंतर निकाय की स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। किया गया कार्य तो क्या है, W से डिनोट करेंगे, स्थिति ऊर्जा होती है U, यानी Q into V। ठीक है, ये इक्वेशन आगे दो, तो हमें क्या है V का मान फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। इक्वेशन पुट द वैल्यू फ्रॉम, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू इंटो इक्वेशन फर्स्ट, मतलब दो से एक में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू बराबर क्या हो गया, यहाँ पे क्यू ऐसा कैसा आ जाएगा, इंटू के क्यू अपॉन आर आ गया, तो यू बराबर क्या होता है, ये क्यू वन मान लेंगे, क्यू टू मान लेंगे, तो के पहले ले लिया क्यू वन, क्यू टू अपॉन क्या है आर। ये द्विआवेश तंत्र निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा होगी, तो हम क्या है विशेष स्थितियां निकालेंगे, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अंदर क्या लिखेंगे, यदि Q1 डैश Q2 ग्रेटर देन जीरो है तो निकाय पर क्या होगा, समान प्रकृति का आवेश होगा, निकाय पर क्या है समान प्रकृति का आवेश होगा, तो U बराबर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, अंत निकाय खुला होगा, निकाय खुला होगा तथा आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। Q1 अर्थात Q1 व Q2 दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, मतलब समान प्रकृति के हैं, मतलब Q1 व Q2 दोनों आवेश के हैं समान प्रकृति के हैं, तो U बराबर क्या हो गया पॉजिटिव, अंतर निकाय खुला होगा तथा दोनों आवेशों पर प्रतिकर्षण बल होगा, अंतर निकाय खुला होगा, खुला होगा अंतर निकाय खुला होगा और दोनों
प्रतिकर्षण होगा। क्या लिखा? अत्तनिकाय खुला होगा तथा दोनों आवेशों पर क्या है? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब केस सेकंड देखो, ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड के अंदर Q1 Q2, पिछली बार ग्रेटर देन जीरो था, अब की बार लेस देन जीरो कर देंगे, अर्थात Q1 में Q2 दोनों आवेश क्या है? दोनों आवेश की प्रति विपरीत होगी, अतः Q1 में Q2 दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। दोनों आवेश क्या है? विपरीत प्रकृति के हैं। तो U बराबर क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, अंतरनिकाय बंद होगा तथा दोनों आवेशों पर क्या है? आकर्षण होगा। अंतरनिकाय बंद होगा और दोनों आवेशों पर आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। हमने क्या था? द्विआवेश अंतर या दो आवेशों के निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा कल ये बना लिया, फिर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं वो लिख दिया, फिर हमने लिखा Q1 आवेश पर विभव लिख दिया, फिर Q2 आवेश का बिंदु P पर क्या स्थिति ऊर्जा लिख दी, इक्वेशन 1 से 2 में मान पुट कर दिया और W बराबर U KQ1 Q2 अपॉन R, ये द्विआवेश अंतर या दो आवेश निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा आ गई। केस निकाल लिया हमने फर्स्ट और सेकंड। केस फर्स्ट में तो क्या होगा? दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, अंतर निकाय खुला होगा तथा दोनों आवेशों पर क्या है? प्रतिकर्षण बल होगा। सेकंड में क्या है? लेस देन जीरो है, यानी दोनों आवेश क्या हैं? विपरीत प्रकृति के होंगे, तो U बराबर नेगेटिव, अंतर निकाय बंद होगा तथा दोनों आवेशों पर आकर्षण बल होगा। ये द्विआवेश अंतर या दो आवेश निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, देख लो। अब हम पढ़ेंगे तीन आवेशों के निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, थ्री पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तीन आवेश निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा, ये उतार लिया तो इसको इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे तीन आवेश निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा। ये देखो, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर Q3 आवेश है। ये क्या है? R12 है, ये R13 है, ये R23 है। ठीक है, मतलब तीन आवेश निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा होगी, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वेयर, लिखो मतलब R12 का मतलब क्या होता है? Q1 में Q2 आवेश के बीच की दूरी, Q1 में Q2 आवेश के बीच की दूरी, बीच की दूरी। यहाँ पे क्या R13 का मतलब क्या होता है?
R13 का मतलब Q1 बाय Q3 और इसकी पिछली दूरी Q1 बाय Q1 और Q2 है, Q1 बाय Q3 आवेश की पिछली दूरी से हम लिखना है। अब हम लिखेंगे R23 का मतलब यहाँ पे होता है Q2 बाय Q3 आवेश की पिछली दूरी, Q2 बाय Q3 आवेश के बीच की दूरी, ठीक है। तो हमने बता दिया, ठीक है, इन सबको। अब लिखने में आवेश Q1 में Q2 निकाय की स्थितिज ऊर्जा आवेश Q1 में Q2 आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा को U से नोट करते हैं, यानी U12 1/4πε0। तो ये Q1 व Q2 अपॉन क्या है R12, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गए। इसी प्रकार आवेश Q2 व Q3 की पिछली दूरी Q2 है Q3 निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या हो गया, ये U23 आ जाएगा 1/4πε0 Q2Q3 अपॉन R23, इक्वेशन आ गई 2। इसी प्रकार आवेश Q1 में Q3 निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो ये क्या आ गया U13 यानी 1/4πε0 Q1Q3 अपॉन R13, मतलब निकाय फर्स्ट इकाई, निकाय सेकंड इकाई, निकाय थर्ड इकाई, तीनों क्या है निकाय की स्थिति ऊर्जा निकाल लिया हमने। अब तीनों को क्या है ऐड कर देंगे, अंतर तीनों आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी, ठीक है, अंत तीनों आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी। तो U12 plus U23 U13, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से क्या है इनमें मान क्या है पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से पुट दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू बराबर क्या हो गया 1/4πε0 Q1Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 Q3 और R23 प्लस 1/4πε0 Q1Q3 अपॉन R13। इसमें क्या है 1/4πε0 तीनों में क्या है कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो U बराबर क्या हो गया 1/4πε0 Q1Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 और Q3 अपॉन R23 प्लस Q1Q3 R13। 1/4πε0 कॉमन ले लिया तो अब हमें इसको क्या है समेशन रूप में लिख देंगे, तो U बराबर क्या हो गया 1/4πε0 (1/2) समेशन i बराबर j इक्वल टू 1 i नॉट इक्वल टू j यानी Q i Q j R i j। ये तीनों आवेशों की निकाय की है स्थिति ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले हमें त्रिभुज के आकार में डायग्राम बना लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है तीनों निकाय की स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर तीनों को क्या है ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी U बराबर 1/4πε0 (1/2) समेशन i बराबर j इज इक्वल टू 1
आई नॉट इज इक्वल टू जे, क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, ठीक है। ये क्या है इक्वेशन फोर, ये तीन आवेशों के निकायों की क्या है स्थिति ऊर्जा, ये हमें ज्ञात करनी थी। या तो एग्जाम में पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1.4 पोटेंशियल, मतलब 1 पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो एकता तो एग्जाम में आता है दो निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। या छोटे मार्क्स में ऐसा जा सकता है, मतलब द्व्यवस्थ तंत्र के निकाय के लिए क्या है डायक बोध, फॉर्मूला लिखिए लास्ट वाला ये वाला, या तीन आवेशों के निकाय के लिए क्या सूत्र लिखिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कब पढ़ेंगे।